देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, देश के स्कूली बच्चों को परीक्षा में तनाव मुक्त होकर एग्जाम की तैयारी कराना। पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा को लेकर आज पुष्कर के ग्राम देवनगर रोड स्थित निजी स्कूल के बच्चों के साथ में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया और परीक्षा को महोत्सव की तरह देखा गया। जिस तरह त्यौहार मनाया जाता है उसी तरह से एग्जाम के समय बिना टेंशन के एग्जाम देने चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी पिछले 6 सालों से एग्जाम के समय बच्चों को मोटिवेट किया जाता रहा है, जिससे तनाव मुक्त होकर बच्चे एग्जाम दे सकें। आज चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा चित्रकला और प्रश्नोत्तरी में टॉप 10 आने वाले छात्राओं को भाजपा OBC प्रकोष्ठ जिला देहात अध्यक्ष अशोक सिंह रावत और सरपंच महेंद्र सिंह रावत द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है कि जो हमारा देश का भविष्य, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, उन बच्चों को जो परीक्षा पे चर्चा, उसमें किस प्रकार से जो एग्जाम को उत्सव के रूप में लेना चाहिए, जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, उत्सवों को मनाते हैं, वैसे ही बच्चों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पिछले 6 सालों से 2018 से हर बार परीक्षा पे मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं, इनको जो गाइडेंस करते हैं कि आपको बिना टेंशन लिए आपको फ्री होकर के बहुत अच्छी से आपको एग्ज़ाम देने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, तनाव मुक्त होकर के आपको एग्ज़ाम देने चाहिए। और उनके बच्चों के पेरेंट्स को भी उन्होंने जो उसमें सुझाव दिए हैं, और जो एग्ज़ाम वॉरियर्स के नाम से जो बुक आई है वो बुक भी हम स्कूलों में उपलब्ध करवाएंगे। और आज उसी के तहत हमारे बच्चों को URM स्कूल में यहाँ आए प्रिंसिपल मैडम और समस्त स्टाफ गण ने भी जो स्कूल में हमारा और बच्चों को गाइडेंस दिया, बच्चों का हौसला बढ़ाया। और आज जो पेंटिंग का प्रतियोगिता का आयोजन भी यहाँ रखा गया और जनरल नॉलेज का भी रखा गया, जो टॉप 10 बच्चे आए उनको भी अपन पुरस्कार देकर के प्रोत्साहन दिया। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा, एक से बढ़कर एक प्रतिभा यहाँ रही है और स्कूल का बहुत अच्छा वातावरण रहा। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का सपना है कि बच्चों में एक बहुत अच्छा मैसेज जाए, बच्चे टेंशन फ्री रहे, बच्चों को सब लोग जाकर के प्रोत्साहित करें, उसके तहत ही आज हम सब लोग यहाँ आए। हमारे अतिथि के रूप में कान्हा सरपंच साहब भी यहाँ पधारे, मैडम जो हमारे निर्मल चौधरी जी मैडम है, आपका भी बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहते हुए बहुत अच्छा बच्चों में एक संदेश गया है। और निश्चित रूप से इससे बच्चों को और एग्जाम में लाभ होने वाला है, उनके परिवार वालों को भी एक मैसेज दिया गया है, और इससे बहुत एक अच्छा पुष्कर में और जिले में अच्छा वातावरण और अच्छा मैसेज जाने वाला है। अशोक सिंह रावत। आज मोदी जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया है एग्जाम के टाइम में कि बच्चों को मोटिवेशन मिले, और जैसे बाकी के जो क्रियाकल्प चलाए, जैसे GK कॉम्पिटिशन आज स्कूल में करवाया गया और माननीय अशोक सिंह जी रावत और महेंद्र जी रावत इनके सानिध्य में कॉम्पिटिशन हुआ, बच्चों को 1 से 10 के प्राइजेस भी दिए गए। और बच्चों को कंपटीशन की तैयारी तो करनी ही चाहिए, जैसे GK कंपटीशन भी अपने आप में एक कंपटीशन है जो IAS और IPS ऑफिसर्स बनाते हैं, और ड्राइंग भी है कि अपने विचारों को किस तरीके के विचार होने चाहिए, किस तरीके से अपने विचारों को साकार करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और हमारे स्कूल को इसके लिए चुना गया, इसके लिए मोदी जी का और मैं अशोक सिंह जी का और बाकी की टीम का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू URM स्कूल पुष्कर।